शुभवास्तु में मैं रीता जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको स्टोर रूम यानी कि भंडार कक्ष के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभवास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुँचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, हर घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम साल में एक आध बार यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसे हमें सालों साल यूज नहीं करते हैं। अक्सर इन चीजों को हम हमारे घर के स्टोर रूम में डंप कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे यहाँ पर एक तरह का डेड वेट यानी कि भारीपन निर्माण होता है। इसके अलावा स्टोर रूम की एनर्जी इन अनचाहे चीजों में ब्लॉक हो जाती है, जिससे घर का एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। कमर्शियल जगहों पर जैसे कि दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्टोर रूम को एक्स्ट्रा स्टॉक यानी कि अतिरिक्त माल रखने के लिए यूज करते हैं, जिससे यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसीलिए स्टोर रूम का सही दिशा में होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है। स्टोर रूम अगर सही दिशा में नहीं होता है तो इससे क्या दोष हो सकते हैं और स्टोर रूम के लिए वास्तु टिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं जानकर। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाओं को हमेशा भारी और बंद होने चाहिए। अक्सर स्टोर रूम को बंद रखा जाता है और यहाँ पर रखे जाने वाले चीजों से यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसीलिए स्टोर रूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम। फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट को भी स्टोर रूम के लिए अच्छा माना जाता है, पर साउथ वेस्ट को घर में मास्टर बेडरूम के लिए और कमर्शियल जगहों पर बिजनेस हेड की केबिन या फिर ओनर की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ज्यादा महत्व दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक और कारण है जिसकी वजह से स्टोर रूम को इन दिशाओं में होना चाहिए और वह है कि स्टोर रूम में कभी भी किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। नमी से स्टोर रूम में रखे जाने वाले चीजों में सिलन लगने की पॉसिबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि सूरज जब साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशा में होते हैं तो सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है, जिससे इन दिशाओं में नमी कम निर्माण होती है और यह जगह सूखी रहती है और इन दोनों कंडीशंस को स्टोर रूम के लिए अनुकूल माना जाता है। प्लस नॉर्थ वेस्ट में होने वाले एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की वजह से नॉर्थ वेस्ट को भी स्टोर रूम के लिए अच्छा माना जाता है, खास करके फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज रखने के लिए। अब हमने जान लिया कि स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं कौन से हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर स्टोर रूम सही दिशा में नहीं होता है तो इसे क्या दोष हो सकते हैं। प्लस वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं से हमें यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है और इन दिशाओं को हमेशा हल्के और खुले हुए होने चाहिए। अगर स्टोर रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की दिशा में होता है तो यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसके अलावा इन दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर रखे जाने वाले चीजों में ब्लॉक हो जाती है, जिससे इन पॉजिटिव एनर्जीज की हमें लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और बच्चों के एजुकेशन पर भी असर हो सकता है। फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट अग्निकोण है और अगर स्टोर रूम साउथ ईस्ट की दिशा में होता है तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, खास करके महिलाओं को। फाइनेंशियल और फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब हमने जान लिया कि स्टोर रूम अगर सही दिशा में नहीं होता है तो इसे क्या दोष हो सकते हैं। अब हम स्टोर रूम के लिए वास्तु टिप्स जान लेते हैं। स्टोर रूम में कोई भी चीज डायरेक्टली जमीन पर ना रखे, उन्हें जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर किसी रैक या फिर अलमारी में रखे। इस अलमारी और रैक को दीवार से 2 से 3 इंच दूर होना चाहिए ताकि अगर दीवार पर किसी भी तरह का लीकेज है तो यहाँ पर रखे जाने वाली चीजें खराब ना हो। स्टोर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। प्लस कई घरों और दुकानों में ओवरहेड स्टोरेज होता है तो यहाँ पर भी हमें सेम रूल फॉलो करना है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में हमें हल्के यानी कि लाइट वेट सामान रखना है और साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में भारी। स्टोर रूम में बहुत पुराने, अनचाहे और टूटे फूटे सामान रखने से अवॉइड करें। हो सके तो इन चीजों को रिपेयर करा दे या फिर डोनेट कर दे या फिर हटा दे, क्योंकि इन चीजों में घर की एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। स्टोर रूम को हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज रखें, इसे टाइम टू टाइम चेक करें। फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है स्टोर रूम यानी कि भंडार कक्ष के लिए।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।